मैं पिंकी ढिलन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे स्टार सवेरा न्यूज चैनल में। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। परंतु एक बात और काफी जोर शोर से उमड़ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, जबकि उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उनकी हत्या गले में फंदा लगने से हुई है। लेकिन हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि इतना यंग और कामयाब एक्टर, जो देश दुनिया में सफल हो रहा था, फिर भी उसने इतनी दर्दनाक मौत को ही आखिर क्यों खुशहाल माना। एक छोटे शहर से या कहें गांव से उठकर बेसहारा करके सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जगह वहां बनाई जहां परिवारवाद ठोक कर चलता है। वो फिल्म इंडस्ट्री जहां बड़े फिल्म घरानों को ये कतई बर्दाश्त नहीं कि उनके बच्चों या परिवार वालों के अलावा कोई बाहर का, खासकर आम परिवार का लड़का या लड़की आकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए। कुछ ऐसा ही हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इनसे करण जौहर पिक्चर साइन करवाकर वापस ले लेता था। इस तरह का टॉर्चर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो रहा था। आदित्य चोपड़ा से इनकी अनबन के चलते इन्हें सारे बड़े फिल्म डायरेक्टर नजरअंदाज कर रहे थे। इन्हें किसी भी बॉलीवुड पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा था। इनकी सामाजिक मुद्दों पर बनी एक से एक फिल्म को दरकिनार किया जा रहा था। इन्हें आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। वहीं थर्ड क्लास पिक्चर, जिनमें बॉलीवुड के बड़े परिवारों के बच्चे शामिल थे, उन्हें कई अवार्ड मिले। मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है सुशांत सिंह को। हालांकि कंगना रनौत के साथ और विद्युत जामवाल के साथ यही हुआ, पर वो इन सबको झेल गए। आज कंगना ही अकेली ऐसी अभिनेत्री है जिसने खुलकर इस बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ मोर्चा खोला है और सुशांत सिंह के समर्थन में आई है। जब श्रीदेवी की मौत हुई तो उसे तिरंगे में लपेटा गया। मुझे बस इतना बताइए कि ऐसा उसने क्या किया था कि उसे तिरंगे में लपेटा गया। वो कहां शहीद हुई? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो बॉलीवुड के परिवारवाद का हिस्सा थी। इस मकड़ जाल को समझिए और अब इन माया नगरी वाले फिल्म माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलिए, नहीं तो ये ऐसे ही छोटे शहर और आम परिवार से ताल्लुक रखने वाले होनहार कलाकारों की जान लेते रहेंगे। इस घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हमें अपने बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा और एक बार फिर से इस मक्कर जाल को समझिए और अभी माया नगरी वाले फिल्म माफियों के खिलाफ मोर्चा खोलिए, नहीं तो ये ऐसे ही छोटे शहर और आम परिवार से ताल्लुक रखने वाले होनहार कलाकारों की जान लेते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो को लेकर आपको आपके मन में जो कमेंट्स हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की और न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे स्टार सवेरा न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस